प्रेशर रिमेंस सेम। डेल्टा पी का कहाँ लेना देना यार, हो सकता है डेल्टा पी यहाँ पर देखो ना दिख रहा है, डेल्टा पी यहाँ पर क्या है, जीरो है, बट दैट एग्जाम्पल इज नॉट ए आइसोबारिक। समझ में आई बात? तो डेल्टा पी इज जीरो नॉट श्योर दैट गिवन प्रोसेस इज आइसोबारिक, रिमेंबर दैट, इज दैट क्लियर? हाँ ये जरूर है, ए प्रोसेस मतलब स्टेटमेंट क्या होगा, ए प्रोसेस इन विच डेल्टा पी इज जीरो प्रोसेस विल बी आइसोबारिक, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दूसरा स्टेटमेंट, द प्रोसेस विच इज आइसोबारिक हैविंग डेल्टा पी जीरो, ट्रू। ये स्टेटमेंट आ सकता है असर्शन रीजन में, बहुत शानदार बनेगा, एक सही है और एक गलत जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अपने नोट्स में डालो। कोई दिक्कत? लिखते जाओ अपने पॉइंट्स। सेकेंड, आपने ये लाइन लिख लिया होगा आइसोबारिक के लिए। सेकेंड पॉइंट जो हम बात कर रहे हैं, आइसो कॉरिक, आइसो कॉरिक, सेम डेफिनेशंस, वॉल्यूम रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस कॉल्ड आइसोकॉरिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोकॉरिक? ए ऑप्शंस, बी ऑप्शंस, सी ऑप्शंस, और डी ऑप्शंस। इज ऑब्लिक आर, क्या ये आइसोकॉरिक है? थ्रू आउट द, आप ए से बी की तरफ जा रहे हो, हर जगह ए से बी कर रहे हो, ए बी और फिर सी गए आप, ए बी सी गए, ए और बी गए, आंसर क्या जाएगा? ए एंड डी, सही है। क्यों? इसमें भी तो वॉल्यूम सेम आ रहा है, डेल्टा वी जीरो आ रहा है, लेकिन बीच में प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो चुका है। यहां पर कोई मतलब ही नहीं, मेरे ख्याल से बी एंड सी नॉट आइसोबोरिक, नॉट आइसोकॉरिक, नॉट आइसोथर्मल। नाउ नेक्स्ट, आइसो थर्मल प्रोसेस, साउंड आइसो थर्मल, आइसो थर्मल प्रोसेस, सही है। आइसो थर्मल प्रोसेस मींस, मींस व्हाट? टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है। तो टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट प्रोसेस कॉल्ड
कॉल्ड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मैं एग्जांपल ले रहा हूं, हम सब जानते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो टी कांस्टेंट होगा तो पी प्रोपोर्शनल 1/v, बाकी सब कांस्टेंट में आएंगे। यस और नो? तो ये कर्व 1/v का यहां रहेगा, समझ में आ रही है? मान लीजिए यहां टेम्परेचर 300 केल्विन है, और तो यहां पर भी कितना होगा 300, समझना। यहां कितना होगा 300, 300, 300, समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत आ रहा है तो थोड़ा सा दिमाग ला के बताओ कि यहां 300 है, थ्रू आउट 300 है, यहां कितना होगा इस जगह? मोर मोर देन 300, ज्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं, क्योंकि वो इस तरफ है। तो सेम प्रेशर पे वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो इस जगह टेम्परेचर टी कितना होगा 300 से ज्यादा, समझ में आ रही है? तो मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा मैं। केस स्टडी कर रहे हैं हम, कर्व के लिए ये हमारे पास पॉइंट है ए पर और ये बी पर, और पी वी, समझिएगा आइसोथर्मल बोला गया है आपको पहले से, आइसोथर्मल स्टडी फॉर आइसोथर्मल कर्व करें अपन। मुझे बताइए यहां टेम्परेचर 300 केल्विन है, यहां पर 300 केल्विन है, मैं यहां से यहां गया, ठीक है? तो आपको क्या लग रहा है कि यहां से यहां जाने पर टेम्परेचर किस तरह से चेंज होगा? देखना ध्यान से, एक मिनट, यहां पर हर जगह 300 है, 300 है, 300 है, 300 है, 300 है, और 300 है, लास्ट तक 300 है। लेकिन काम की बात ये कि यहां पर जब 300 है तो आप कितना बाहर गए हो? थोड़ा सा बाहर गए हो। तो एकदम से मैं 350 तो नहीं लिख रहा, क्या लिखूंगा? 300 कुछ वैल्यू लिख देता हूं अपनी तरफ से समझाने के लिए, 310, 320 बढ़ रहा है ये ऑर्डर, 340, 350, यहां ये लेंथ मैक्सिमम है। फिर क्या होगा? कम होगा, लेट अस सी, 340, 320, 310 वही, और बाद में 300। तो जो सेंटर में होगा इस लाइन के, वहां मैक्सिमम होगा टी मैक्सिमम हमेशा। अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन हैविंग हाइएस्ट टेम्परेचर। तो ये हमारा पॉइंट निकला, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर ए स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन बना लो ये पीवी कर्व में, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट हैविंग सेम टेम्परेचर,
देन मिड पॉइंट हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर, मिड पॉइंट हैविंग हाईएस्ट टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर, ये इसकी केस स्टडी कवर हो गई। समझ में आ रहा है बात? तो अगर इस कर्व को किसी ने मुझसे टीवी कर्व के बीच में पूछा, टीवी यानी ए से बी के बीच में जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, बिल्कुल है, तो पहले वॉल्यूम बढ़ रहा है ये तो हमें क्लियर है, टेम्परेचर पहले बढ़ेगा फिर कम होगा। तो टी ये ए पॉइंट है जहां 300 केल्विन टेम्परेचर है, पहले बढ़ेगा और फिर कम होगा, और यहां जो वॉल्यूम होगा वो पता है कितना होगा, वॉल्यूम वी ए प्लस वी बी बाय टू होगा, और ये वॉल्यूम होगा जहां पर टेम्परेचर मैक्सिमम है, और प्रेशर क्या होगा यहां पर, वो भी पी ए प्लस पी बी बाय टू होगा, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट आएगा, वो स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टीज लगा दी, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इस जगह जहां टेम्परेचर मैक्सिमम है वहां प्रेशर ये होगा और वॉल्यूम ये होगा। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पर प्रेशर दे दिया जाता है दोनों जगह, वॉल्यूम दे दिया जाता है, तो मीडियम प्रेशर निकाल लोगे, वॉल्यूम निकाल लोगे, मोल एक मोल दे दिया, तो क्या टेम्परेचर बता सकते हो मैक्सिमम? हाँ, पीवी अपॉन आरटी करके, एनआर करके, एनआर करके, पीवी अपॉन एनआर। तो टी मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी, टी मैक्सिमम जो आप बार बार समझ रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, पी वी अपॉन एन आर, मैं एन दे दूंगा, और ये मिड पॉइंट का आएगा, ये भी मिड पॉइंट पे आएंगे, मिड पॉइंट जो भी आपके पास आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसपे ये हमने केस स्टडी कर लिया, अब इस पे एग्जांपल अगर हम बनाना चाहें तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहां मैंने प्रेशर दिया 4 एटीएम 1 लीटर 2 लीटर 2 एटीएम हीलियम गैस 1 मोल, ए से बी गए हो आप, फाइंड टी मैक्सिमम ऑफ द प्रोसेस, सॉल्यूशन एक लाइन में करना है, हाउ कैन यू डिटरमाइन, हाउ कैन वी डिटरमाइन, सिंपल है, टी मैक्सिमम पी वी अपॉन एन आर, ये मिड पॉइंट है ओ, तो पीओ वी ओ, पीओ की वैल्यू क्या होगी, 4 प्लस 2 3, वी ओ की वैल्यू 3 बाई 2 0.0821, या आप सिंपल बोल दो 9 बाई 2 आर, खत्म, आर की वैल्यू में छोड़ दो, इजी और वेरी इजी, वेरी इजी, ठीक है, लिखें आप इसको। लास्ट पॉइंट तक करा था डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस, यहां हमने ब्रेक किया था, और मैं उसी लिए बार बार बात कर रहा हूं, अगर कोई ये प्रोसेस बना रहे हैं हम पी वी, और हमने इस तरह का बना दिया, तो यहां पर पी प्रोपोर्शनल वी है, समझ में आ रहा है, पी प्रोपोर्शनल वी है, पहली चीज दिमाग में अंदर तक बैठा लो, तो क्या यहां पर प्रेशर कॉन्स्टेंट है? नहीं, तो आइसोबारिक तो नहीं है, आइसोबारिक नहीं है, आइसोकोरिक नहीं है, आइसोथर्मल पे मेरे को कमेंट करना था, क्या ये आइसोथर्मल होगा? नहीं, आइसोथर्मल में पी प्रोपोर्शनल 1 बाय वी होता है, तो उसका कर्व कैसा होगा? उसका कर्व तो कुछ इस तरह का होगा, सही है, जबकि ये इस तरह से जा रहा है, तो इसका मतलब ये आइसोथर्मल भी नहीं है, और आइसोथर्मल नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है वो ये क्या होगा, पॉलीटॉपिक, ठीक है।
तो ये हमारे लिए हो गया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। दूसरा पॉइंट, ये तो हमारे को समझ में आ गया कि आइसो कोई सा भी नहीं अभी तक, लेकिन इसमें हम अगर टेम्परेचर पे कमेंट करें, टेम्परेचर पर, तो तुम मुझे बताओ टेम्परेचर इसमें कंटिन्यू बढ़ेगा, बढ़कर कम होगा, या कम होके बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कैसे, सुनना मेरी बात, आइसोथर्मल ये है ना प्रोसेस, मेरी बात समझना। तो ये कौन सा टेम्परेचर लग रहा है तुम्हारे को, मान लीजिए ये 300 केल्विन है, बिल्कुल एक मिनट, मान लीजिए नीचे की तरफ जाएगा तो ये 200 होगा, और ऊपर की तरफ जाएगा तो 400 होगा, और ऊपर जाएगा 500 होगा। तो इस जगह टेम्परेचर ये पूरे कर पे 200 ही होगा, भले वो यहां हो या यहां हो, 200, 300, 400, 500 तो कंटिन्यू बढ़ेगा। तो जब इस तरह का प्रोसेस है पी प्रोपोर्शनल वी, तो टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता जाएगा आगे जाने पर। समझ में आ रही है बात, पक्का लॉक कर दे। दूसरा पॉइंट, अगर मैंने ये, मेरे पास आइसोथर्मल है, कैसा है आइसोथर्मल, होने दो ठीक है, और मैंने लाइन ऐसे बना दिया, यहां 300 केल्विन, यहां 300 केल्विन, तो बताइए ये कौन सा प्रोसेस होगा। ये तो दिमाग में अंदर तक बिठा लो कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक कोई सा भी प्रोसेस नहीं, ये भी अपने आप में पॉलीटॉपिक है ठीक है, लेकिन अंतर क्या है कि यहां टेम्परेचर इसमें 300 है, यहां टेम्परेचर इसमें 300 है, इस तरफ 300 है हर जगह, इसमें तो 300 है नीचे वाले में तो, लेकिन ये इस तरफ जाने पर, ध्यान से देखना, इस तरफ जाने पर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और ये डिफरेंस इस पॉइंट पे, मिड पॉइंट पे सबसे ज्यादा होगा, होगा या नहीं होगा। तो जितना ज्यादा ये इस तरफ आएगा उतना ही टेम्परेचर इसमें ज्यादा होगा। तो कुल मिला के मान लीजिए यहां 300 है, तो यहां 310, 320, 350 बीच में, और फिर 340, 320 और 300, तो मिड पॉइंट में हमेशा ज्यादा होगा। तो यहां टेम्परेचर बढ़कर कम होगा, ऊपर से नीचे आए बढ़कर कम होगा, नीचे से ऊपर गए तब भी बढ़कर कम होगा, क्योंकि यहां से नीचे आए बढ़ा फिर कम हुआ, तो इधर से गए बढ़ा फिर कम हुआ, बात तो एक ही है। तो ए से बी आओ या बी से ए जाओ, टेम्परेचर हमेशा इंक्रीज होकर डिक्रीज होगा और मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, ऐसा मैंने तुम्हें बताया ठीक है। तो अगर यही पीवी कर्व को आपने टीवी कर्व में कन्वर्ट करा, 300 300 मैक्सिमम टेम्परेचर मिड पॉइंट पे होगा, या सुनो मैक्सिमम टेम्परेचर मिड पॉइंट पे होगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, तो मेरे लिए T इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी होता है, या सुनो मान लीजिए इस पॉइंट पे P1 दे रखा है, यहां P2 दे रखा है, वॉल्यूम V1 दे रखा है, वॉल्यूम V2 दे रखा है, तो P की वैल्यू क्या होगी, P1 प्लस P2 बाय 2, V की वैल्यू V1 प्लस V2 बाय 2, R की वैल्यू R, और टेम्परेचर की N आएगा यहां पर, N की वैल्यू N, जो भी N दे दिया उसने, 1 दे दिया, 1 2। तो मेरा इस तरह का कर्व अगर मैंने कभी भी बता दिया और पॉइंट बता दिया यहां पर कि यहां पर दोनों जगह सेम प्रेशर टेम्परेचर वो है, सेम टेम्परेचर है इस जगह 300 300, तो मेरे स्टेटमेंट बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट। पहला, मैक्सिमम टेम्परेचर इज प्रेजेंट ऑन मिड पॉइंट, करेक्ट, ऑन मूविंग, ये मान लीजिए ए और बी, ऑन मूविंग ए टू बी टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, करेक्ट है, ऑन मूविंग बी टू ए टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, करेक्ट है ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो ये हमारे लिए हो जाएगा ऑल आर करेक्ट, समझ में आ रहा है, या लास्ट में ऑप्शन बना सकता हूं टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीजेस, रॉन्ग, टेम्परेचर कंटिन्यू डिक्रीजेस, रॉन्ग, समझ में आ रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें अक्सर परेशान करते हैं कर्व को पकड़ने के लिए। चलिए एक बार और रिवाइज करते हैं, यह आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर थ्रू आउट द प्रोसेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट, लॉक कर दें। दूसरा, पीवी कर्व, पी वी कर्व है, ए टू बी, मूविंग बी टू ए टेम्परेचर थ्रू आउट
decreases. Correct, incorrect? B2A, temperature throughout increases. Sorry, decreases. Correct है, क्योंकि A to B increases, B2A decreases. बिल्कुल सही है. अच्छा, ये प्रोसेस है, A से B गए, A O B, इस तरह से गए हो आप PV कर्व में. हाँ, अब बोलो A O जाते वक्त टेम्परेचर बढ़ेगा या कम होगा? इंक्रीज होगा. क्यों भाई? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा. माइंड सेट करो, तो A से O तक जाने तक टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीज होगा, और फिर वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर तो डिक्रीज होगा. तो ये भी वैसे ही फॉलो करेगा जैसे ये था, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा. एम आई राइट? इंक्रीज देन डिक्रीज. इसमें यहां मैक्सिमम होगा, इसमें यहां मैक्सिमम होगा. नहीं, कैसे सेम होगा? आई कांट से. नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कह सकता ऐसा सेम होगा. ज्यादा होगा उसमें, ज्यादा बढ़कर ज्यादा कम होगा, इसमें कम बढ़कर कम होगा. तो कर्व को पकड़ना आपको आ गया. वेरी गुड. अब आगे क्या, आज हम कहां से स्टार्ट करेंगे? मैंने आपको तीन प्रोसेस बताए, आइसो थर्मल, आइसो बारिक, आइसो कोरिक, और कुल मिला के दुनिया भर के मैंने क्या बता दिए? पॉलीटॉपिक. अब आगे दो पॉइंट मेरे बहुत अच्छे हैं. पहला पूछो बेटा, ये चलिए इस चीज को है, तो स्टार्ट करते हैं हम अगले पॉइंट से, और उसका नाम है एडियाबेटिक प्रोसेस. एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक वो प्रोसेस है हमारे लिए जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है. समझ में आ रही है बात? तो प्रोसेस इन विच हीट नॉट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस. लिखे इसकी डेफिनेशन, प्रोसेस इन विच हीट नॉट ट्रांसफर सिस्टम टू सराउंडिंग और सराउंडिंग टू सिस्टम. आप मेरे साथ ही लिखें इसको जल्दी से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एडियाबेटिक प्रोसेस. तो देखिए, ये हमारे पास सिस्टम है, और ये हमारे पास सराउंडिंग है. तो ना तो यहां हीट आ रही है और ना बाहर जाएगी. आइसोथर्मल में तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. यहां अब बात ये आ रही है कि आप वर्क तो ट्रांसफर कर सकते हो, तो टेम्परेचर चेंज हो सकता है. समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुम्हारे को, एडियाबेटिक प्रोसेस का एग्जांपल. ये क्या है? टायर, ट्यूब, नॉर्मल ट्यूब मान लो. ये आपकी ट्यूब है, ठीक है. अचानक पंचर हो गया, ठीक है. तो ये जो ट्यूब होगी इस फॉर्मेट में आ गई, तो अचानक जैसे ही गैस बाहर गई, इतनी तेज गई है, इतना ज्यादा वर्क हुआ है एक सेकंड के अंदर या मिली सेकंड के अंदर, ब्लास्ट हो गया, तो क्या हीट को आने और जाने के लिए टाइम की जरूरत होती है? क्या टाइम मिला? नहीं मिला. तो यहां हीट का जो ट्रांसफर है वो कितना हो गया? जीरो, बिल्कुल नहीं हुआ. तो यहां क्या हुआ है? सिर्फ वर्क हुआ है, एक्सपांशन, ठीक है ना, वर्क हुआ है हाँ, लेकिन हीट नहीं हुई है. और वर्क हुआ है तो कहीं ना कहीं वो कौन ने वर्क किया है? गैस ने. तो वर्क किसके द्वारा हुआ है? वर्क बाय गैस.
ऑफ ट्यूब, ये ट्यूब है आपके। तो एक मिनट, हम क्या पढ़ रहे हैं? एडियाबेटिक। अभी हम उस वो वाला पॉइंट नहीं कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो। तो ये हमारे पास वर्क हुआ है, तो इसने अपने से वर्क किया है, तो इसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। मान लीजिए ये हीलियम गैस है, ट्यूब है जिसमें मैंने कोई भी आइडियल गैस भर रखी है, तो ये वर्क ही इसने कराया, तो इसकी हीट क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। इसकी खुद की हीट कैपेसिटी से ही इसने वर्क किया है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? उल्टा डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि वर्क इसने किया है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जो हीट की फॉर्मेट में थी वो कम हो गई। हीट की नहीं, मतलब इंटरनली बोलो उसको, ठीक है ना, वो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो जब भी कोई चीज में एक्सपांशन होता है, गैस बाहर की तरफ जाती है, खुद वो क्या हो जाता है? अपने आप में बहुत ठंडा हो जाता है। तो जब आप इस ट्यूब के हाथ लगा के देखेंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। और ये कौन सा प्रोसेस होगा? एडियाबेटिक। तो जनरल लाइफ में आपको इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं देखे दिखा जाएगा। या तो एकदम से इसको कंप्रेस करो या एकदम से एक्सपांशन करो। जब एक्सपांशन करते हो एडियाबेटिक में तो टेम्परेचर कम होता है, और कंप्रेशन करते हो तो टेम्परेचर बढ़ता है। समझ में आता है? मेरे ये एसी लग रहा है, एयर कंडीशन, समझना। मैं क्या करता हूँ, वहां से बाहर कंप्रेसर से कंप्रेस करके लाता हूँ गैस को, और जैसे ही रूम में लाता हूँ सीधा एक्सपांशन कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, गैस ठंडी हो जाएगी। कूलिंग कर देता हूँ, कूलिंग हो जाएगी सिस्टम में। फिर उस गैस को वापस एक्सपांड गैस को मैं बाहर ले जाता हूँ, कहाँ? घर के बाहर, कमरे के बाहर, और वहां जाके कंप्रेस करता हूँ कंप्रेसर में। वहां गर्म हो जाती हो तो वहां गर्म हो जाती है, तो बाहर कंप्रेसर तो क्या रहता है? गर्म होता है, और अंदर क्या होता है? कूलिंग होती है। तो ये इससे क्या होगा? कूलिंग होगी, और अपोजिट क्या हो जाएगा? बस ये तो दिमाग में बिठा के चलना, बाकी चीजें हम और देखते रहेंगे टाइम टू टाइम। लेकिन एक बहुत अच्छी पॉइंट आ रही है कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए पीवी गामा जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ये गामा क्या होता है, ये हम आगे बहुत अच्छा पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसका नाम लिख देते हैं पॉइजन रेशियो। और इसकी वैल्यू होती है अलग अलग के लिए अलग अलग, सीपी बाय सीवी। हम बाद में बात पढ़ेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी होती है पॉइजन रेशियो की वैल्यू गामा, ठीक है? आप मुझे बताओ, और गामा हमेशा एक से बड़ा होता है, गामा हमेशा एक से बड़ा होता है, ठीक है? ये सब चीजें हमने कर लिया। मेरा ये कहना है, और आपका भी होना चाहिए, पीवी दो कर्व है हमारे पास, ए बी सी, और एग्जामिनर ने हमें ये बोला है कि एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबेटिक है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए यहां 300 केल्विन है, आइसोथर्मल मान लीजिए 300 केल्विन है, एक्सपांशन होता है, टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। और टेम्परेचर कम होगा तो वो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? नीचे। तो ऑब्वियसली ये एडियाबेटिक होगा, नीचे वाला। नीचे वाला क्या होगा? एडियाबेटिक, और ऊपर वाला क्या होगा? आइसोथर्मल। अगर ऊपर से हमने गेंद गिरा दी, बॉल गिरा दिया, तो किसमें पहले पहुंचेगा? जल्दी बोलो, एडियाबेटिक में। स्लोप ज्यादा होगा। अच्छा चलिए ठीक है, स्लोप ज्यादा होगा, लेकिन उनका स्लोप का रेशियो क्या होगा डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सेकंड लगता है, तो यहां तक लिख लिया आपने, यहां तक हमारे पास दो कर्व थे, आइसोथर्मल एडियाबेटिक। इसके लिए था पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी, इसके लिए था पी प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी की पावर गामा। इसको हमने लिखा पी इक्वल टू के बाय वी, इसको लिखा पी इक्वल टू के बाय वी की पावर गामा, सही है?
स्लोप की वैल्यू जो होती है, जो भी हमारे पास स्लोप आ रहा है वो होता है डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी। तो यहां डीपी बाय डीवी करा, यहां माइनस के अपॉन वी स्क्वायर, डिफरेंशिएशन सबको आता है। यहां डीपी बाय डीटी, डीपी बाय डीवी, स्लोप यही होगा, डीवाई बाय डीएक्स होता है पीवी कर में। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस गामा के अपॉन वी की पावर गामा प्लस वन, गामा प्लस वन या ऊपर जाएगा माइनस गामा, माइनस गामा माइनस वन, बिल्कुल सही है। तो अब सही है, कर रहे हैं हम माइनस के, के की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, पीवी लिख सकते हैं वापस, और ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा माइनस वी। यस और नो, लॉक कर दें, के की वैल्यू वापस रख दी मैंने यहां पर माइनस गामा, के की वैल्यू क्या होगा पी वी गामा, हमारा सही है ना, वहां पर v की पावर माइनस वन आएगा या वन बाय वी लिख दो, कुछ गड़बड़ हो रहा है, पी वी, पी बाय वी आएगा, पी बाय वी आएगा, चलने दो। और यहां पर हमारे पास क्या है v की पावर गामा मल्टीप्लाई बाय वी लिख देते हैं अपन, तो यहां पर भी हमारे लिए क्या हो जाएगा माइनस गामा पी बाय वी बचेगा। तो दोनों जगह हम स्लोप का अगर रेशियो निकालें जो हमारा रिजल्ट रहेगा, मैग्नीट्यूड पे हम बात करें, डीपी बाय डीवी, डीपी बाय डीवी, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक ऊपर रख रहा हूं और आइसोथर्मल नीचे रख रहा हूं, और मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं, वैसे तो कट ही जाएगा माइनस माइनस, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी गामा माइनस वन, तो गामा बाय वन, तो सही है। किसका ज्यादा स्लोप आ रहा है, एडियाबेटिक का। तो हम तभी बता सकते हैं जब दो स्लोप वाले हैं जिसमें गेंद पहले नीचे गिरेगी वो एडियाबेटिक होगा, सही है। तो चलिए थोड़ा सा और कहते हैं, एक और पॉइंट, ये तो एक्सपांशन का केस था, आगे कंप्रेशन का केस हम करते हैं। ए बी सी, कौन सा कर्व एडियाबेटिक है, सोच के बोलो, ए सी, हाई स्लोप, और हाई स्लोप किसका होता है एडियाबेटिक का, मैं सही हूं, तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आइसोथर्मल। तो एक एडियाबेटिक हो जाएगा और एक आइसोथर्मल हो जाएगा, ये बात तो हमारे लिए क्लियर है। मान लीजिए यहां पर 300 केल्विन है, मान लीजिए यहां पर क्या है 300 केल्विन है, तो ये भी 300 केल्विन होगा। आप मुझे बताएं कि यहां टेम्परेचर क्या होगा, 300 से ज्यादा या 300 से कम, ज्यादा, कुछ भी हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा। तो मैं पहले भी बोल चुका हूं इन केस ऑफ कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, तो 300 प्लस टी कुछ वैल्यू ज्यादा ही होगी, ये बात तो सही है। तो हमसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन आइसोथर्मल टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, सही है, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर
इंक्रीजेस, गलत है, रॉन्ग। इन एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर इंक्रीजेस, इन एडियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, इन एडियाबेटिक कंप्रेशन टेम्परेचर कंटिन्यू इंक्रीजेस, ट्रू, समझ में आ रहा है। इन एडियाबेटिक एक्सपांशन टेम्परेचर कंटिन्यू डिक्रीजेस, ट्रू। तो एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल कर्व कैन क्रॉस टू ईच अदर ओनली वन पॉइंट, स्टार्टिंग या इनिशियल कोई भी एक पॉइंट पे टच करेंगे, दो पॉइंट में टच कर ही नहीं सकते। ये दो कर्व दे दिए, अब तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, इनास ना तो स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, और ये बोल दिया एक एडियाबेटिक है और आइसोथर्मल है। क्या लगता है आपको, कर्व को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पीवी ये वाला, ये एडियाबेटिक है, श्योर लॉक कर दें, एडियाबेटिक, और ये क्या होगा, आइसो थर्मल, स्लो फाइज ही देख पाओगे और कैसे कर पाओगे। तो केवल एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को टच कर पा रहे थे, हाँ जहां पर भी होगा वो ठीक है, कहीं पे भी कर सकता है। हमने अगर वही यहां से स्टार्ट करा होता तो इनिशियल पॉइंट आ जाता, कोई समझ में आया, दो बार तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं जो आपको थ्योरी है तो आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं तो क्वेश्चंस बनेंगे। क्या समझ में आ गया, नेक्स्ट साइक्लिक प्रोसेस पे हम आ रहे हैं, हेडिंग डाल लीजिए साइक्लिक प्रोसेस, हटा दूं मैं ये, साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस यानी इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। मिनिमम कितने प्रोसेस चाहिए साइक्लिक के लिए, तीन। अब दो प्रोसेस से साइक्लिक नहीं बना पाओगे, आप सोच रहे हो बना लेंगे, नहीं होता, ये चीजें मुझे आगे जाके समझानी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो मैंने कितने प्रोसेस चाहिए होंगे, साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है ए सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम कॉल्ड साइक्लिक। तो लिख लीजिए, इट इज ए सीरीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस आर सेम, कॉल्ड साइक्लिक। यानी प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आर सेम कॉल्ड साइक्लिक। तो ये हमारे पास हो गया, आज हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट पे पी वी कर्व है, हमने ये पॉइंट लिया, हम यहां गए यहां गए यहां गए और वापस आ गए ए बी सी और डी और वापस ए पे आ गए, पक्का पूरा। तो साइक्लिक प्रोसेस हुआ, ए बी सी डी कौन से प्रोसेस है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस साइक्लिक है, ए बी सी डी
यहाँ गए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, यहाँ गए, ए पी बी, देखो पाला क्या है, आइसोबारिक मान लीजिए, आइसो फिर आइसोकोरिक, यह आइसोबारिक कौन सा है, आइसोबारिक एक्सपांशन, और यह आइसोबारिक कौन सा है, अलग हुए ना, किसी भी फॉर्मेट से हो, यह कौन सा है, मान लीजिए ये आइसोथर्मल है, नीचे वाला भी आइसोथर्मल मान लिया मैंने। अब थोड़ी देर के लिए चुप रह के ये सुनो मेरी बात, क्या ये दोनों अलग अलग है, हाँ है, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है, ये आइसोथर्मल कंप्रेशन है, ये एडियाबेटिक एक्सपांशन है, ये एडियाबेटिक कंप्रेशन है। तो कितने प्रोसेस है इसमें, चार। क्या ये साइक्लिक है, हाँ। तो ये पॉइंट तो हमारे लिए क्लियर हो गया कि साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा ठीक है, ये पीवी ए बी सी, मेरे साथ ही लिख लें इस पॉइंट को, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये साइक्लिक प्रोसेस है, ए बी कौन सा है, आइसो, बी सी और सी डी पॉलीट्रॉपिक, बी सी एंड सी ए पॉलीट्रॉपिक, तो जिसका कोई नाम नहीं है उसको पॉलीट्रॉपिक तो बोल ही दो। वैसे देखा जाए तो आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक को भी पॉलीट्रॉपिक बोल सकते हो, पॉलीट्रॉपिक सबके लिए कॉमन वर्ड है। ठीक है, अच्छे समझ में आ गया। तो हमने बहुत अच्छे से अलग अलग कर्व के बारे में डिस्कशंस किया। मेरा अगला टारगेट क्या होगा इस जगह, मेरा अगला टारगेट होगा कि एक कोई भी पर्टिकुलर कर्व को दूसरे कर्व में कैसे ले जाना। लेकिन यहां मेरे पास लिमिटेशन है, जब मैं एक कर्व को दूसरे कर्व में लेके जाऊंगा तो मैं पॉलीटॉपिक कर्व नहीं लूंगा, पकड़ने की कोशिश करना, क्यों नहीं लूंगा, मैं आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक लेने की कोशिश करूंगा, क्यों, क्योंकि उसको घुमाना ले जाना आसान होता है। लेकिन अगर एक भी ऐसा ले लिया जो पॉलीटॉपिक है, तो उस पीवी कर्व को टीवी कर्व में ले जाना या पीटी कर्व में ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एग्जामिनर हमेशा ये याद रखता है कि तीन प्रोसेस या चार प्रोसेस देता है, और वो चारों प्रोसेस या तीनों प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होते हैं, आपको पता लगाना होता है कि कौन से हैं बस। ठीक है, तो चलो कन्वर्ट करना सीखते हैं एक प्रोसेस को दूसरे प्रोसेस में। आप पूरा दिमाग खोल के बैठना, ठीक है ना, दिमाग की वॉल्यूम पूरी खोल के बैठना है, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा टॉपिक। हेडिंग क्या डालेगा आपका, कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक प्रोसेस, किसी भी साइक्लिक ही करेंगे अपन। मान लीजिए पी वी, ठीक है, ये ए बी सी और वापिस ए, आपको लग रहा है ना एग्जामिनर बिल्कुल सही जा रहा है, ए से बी उसने कौन सा दिया होगा, आइसोथर्मल, बी से सी क्या है, आइसोबारिक, और सी से ए कोरिक। तो इतना तो उसने दिया हुआ है, करें हम, करें पी और टी, इसको समझना, तो चेक करते हैं। सबसे पहले ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर ये रहा कांस्टेंट। अब ए नीचे रखना है या ऊपर रखना है इसके लिए देखना पड़ेगा, प्रेशर कम हो रहा है तो यानी ए और बी ये होगा, तो कहां से सेम रहा,
चलो ठीक है ना, तो ए बी हमारे पास आ गया। अब हमारे पास बी से सी जाने पर प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये रहा बी से सी, दूसरा हो गया। और सी से ए जाने पर हमारा इस जगह वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट कब होता है? जब स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि पी प्रोपोर्शनल टी आ जाता है जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। तो ये एक तरह से प्रॉपर ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल नहीं है, कर्व है। तो ए से बी, बी से सी, और ये हमारे लिए हो गया ये कर्व। इज दैट क्लियर? और आप पता लगाओ कि ये वाला कर्व ऐसे जाएगा, यानी कि पीटी के अंदर आइसोथर्मल ऐसा होगा, आइसोकोरिक। तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक, ये हो जाएगा आइसो थर्मल, बिल्कुल सही है, और ये हो जाएगा आइसो बारिक। चलिए एक और एग्जांपल, इसमें मैंने आइसोकोरिक दे रखा है, आइसोबारिक दे रखा है, आइसोथर्मल दे रखा है, तीनों का यूज किया है। जनरली इन तीनों का ही तो यूज करूंगा मैं एक साइकिल बनाने के लिए। केवल आइसोबारिक और आइसोकोरिक बना के नहीं बना सकता तीन में, एक तो आइसोथर्मल लेना ही पड़ेगा मेरे को, पैक करके रखो। मैं आइसोथर्मल के अलावा कुछ और लेता हूं तो पीटी में बनाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा एक ही तरह का क्वेश्चन बनेगा ये, बस ज्यादा से ज्यादा मैं ऐसे कर सकता हूं, बनेगा भी एक ही, कि पहले ऐसे ले जाऊंगा मैं, फिर ऐसे ले जाऊंगा, ये ले जाऊंगा, ये दूसरा तरह का क्वेश्चन पकड़ के चलो। इसके अलावा कोई पोजीशन होगी नहीं। तो आप ए से बी गए, बी से सी गए, बस इसके अलावा कुछ बनेगा ही नहीं। दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं। अब बताओ इसके अंदर क्या होगा? ए से बी गए, पीटी ले लिया मैंने, ए से भी गए आइसोबारिक। अब आइसोबारिक तो हमेशा आइसोबारिक होगा, पीटी पीवी था वो। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, समझना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो ये यहां तक ले जाओ, यहां ले जाओ, और बाद में ये बनेगी, मिलेगी मिलेगी, ए बी सी, और ये सी से ए वापिस आइसोथर्मल हो गया। तो ये आपके लिए आइसोबारिक आइसोबारिक, आइसोकोरिक आइसोकोरिक, आइसोथर्मल आइसोथर्मल। मुझे किसी ने कह दिया कि सर आप इसको टीवी में बनाओ, टी उधर रखो और वी इधर रखो, खराब करना है, बाकी पूछा तो यही जाएगा। चालू हो गया मैं ए से बी, ए से बी मेरा कौन सा प्रोसेस है? शांति शांति, मुझे भी दिमाग लगाना है। ए से बी आइसोबारिक, आइसोबारिक है, तो ये ए और बी। अब प्रेशर बढ़ रहा है, तो यहां से यहां पर प्रेशर, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहां पर प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ए ये होगा, बी ये होगा। अब दूसरा, बी से सी हम आ रहे हैं, बी से सी हमारा आइसोकोरिक है, ये आइसोकोरिक होगा, प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम होगा, ठीक है। और फिर अपने आप ऑब्वियसली ये तो मिलाना ही होगा आइसोथर्मल, बिल्कुल। तो ये हो गया आपका वही क्वेश्चन का आंसर। तो कन्वर्जन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, आप मान के चलो आपको तीन प्रोसेस देगा एग्जामिनर, अगर ये क्वेश्चन बनाना है उसे, जिसमें एक आइसोथर्मल, एक आइसोबारिक, एक आइसोकोरिक देगा, इसके अलावा कुछ होगा नहीं, तीनों का आपस में घुमा के बनाना होगा बस। तो कुछ भी कर सकते हैं अपन, तीनों बना सकते हैं अपन, नहीं इसके अलावा कोई पॉसिबल ही नहीं क्वेश्चन बनाना, मत दिमाग लगाओ। ए से बी गए, ये बन गया ए बी सी। तो साइक्लिक प्रोसेस में दो तरह के क्वेश्चन है, दोनों हमने बना लिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।